आपका चैनल में स्वागत है और मैं कृष्ण कुमार शर्मा गेट मंथन चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियो में कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा, कंपैरिजन टेस्ट कैसे अप्लाई होता है उसको हमने पढ़ लिया है। मैं जब वीडियो का एंड कर रहा था लास्ट टाइम, मैं तो आपको बताया था कि हम और क्वेश्चंस लेंगे, कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम अब और नई तरीके के क्वेश्चंस लेते हैं और उन क्वेश्चंस में कंपैरिजन टेस्ट कैसे अप्लाई किया जाता है उसको भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए चलो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आइए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा ये है, फर्स्ट क्वेश्चन इज सिग्मा 1 to ∞ एन क्यूब प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन क्यूब। दोस्तों ये क्वेश्चन है, जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए अंडर रूट में तो इसे हम रेशनलाइज करते हैं। तो जब हम इसे रेशनलाइज करेंगे, पहले तो ये बता दें कि यहाँ पर जो एन टर्म यू एन है वो स्क्वायर रूट ऑफ एन क्यूब प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन क्यूब, ये वैल्यू आपकी है। इसको हम रेशनलाइज यदि करें तो रेशनलाइज करने के लिए हमें करना होगा कि इसके माइनस यदि है यहाँ पर तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो एन क्यूब प्लस 1 माइनस एन क्यूब ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन क्यूब प्लस 1 प्लस इससे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई हम करेंगे और ये वैल्यू हमारी रही होगी। अब इसके बाद यदि हम देखें तो ये a माइनस बी और a प्लस बी होगा। जब a माइनस बी एंड a प्लस बी होगा तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, a माइनस बी एंड a प्लस बी इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो एन क्यूब प्लस 1 रह जाएगा एंड माइनस बी क्यूब ओनली एन क्यूब रह जाएगा ओवर एन क्यूब प्लस 1 प्लस अंडर रूट एन क्यूब, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अभी जो यू एन हमारा बना है दिस इज 1 ओवर अंडर रूट एन क्यूब प्लस 1 माइनस अंडर रूट नॉट माइनस प्लस दिस 1। दोस्तों इसमें भी एक काम और कर सकते हैं, हम एन क्यूब हम कॉमन लें तो ये एन टू द पावर 3/2, मतलब एन क्यूब है, क्यूब को आउटसाइड लेंगे अंडर रूट से तो 3/2 ये बाहर, ये क्या रह जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 ओवर एन क्यूब एंड प्लस यहाँ पर हमने ये बाहर ही ले लिया है तो ये 1 रह जाएगा। इस तरीके से ले सकते हैं। तो अब हमें वी एन डिसाइड करना है, तो आप देख सकते हैं वी एन हम चूज़ करते हैं लेट दिस 1, हमने ये लेट किया वी एन 1 ओवर एन टू देयर 3/2। यदि हम इसमें यू एन अपॉन वी एन, आपको ध्यान है कि हम इसे लेते थे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फाइनाइटी यू एन ओवर वी एन, एंड यू एन ओवर वी एन क्या होगा आपका, जब हम यू एन ये यू एन हमारा अपॉन वी एन करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ फिर भी एन टू द पावर 3/2 एंड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एन क्यूब दिस 1 ये था एंड प्लस 1 ऐसे है, ये अंडर रूट आउटसाइड है ओवर 1 ओवर एन टू द पावर 3/2, ये टोटल इससे कैंसिल आउट हो गया। एन को हम अप्रोच कराते हैं इन्फाइनाइटी पर तो वैल्यू 1, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से 1, दिस इज़ 2 विच इज़ नॉन जीरो एंड फाइनाइट। यदि ये नॉन जीरो एंड फाइनाइट आ जाता है हमारे पास तो हम क्या बोलेंगे इसमें ऐसे में, और वी एन ये इससे ये पता चल जाता है कि यू एन और वी एन का दोनों का बिहेवियर एक जैसा होने वाला है। तो अब हम यदि देखें तो वी एन जो है हमारे पास 1 अपॉन एन टू द पावर 3/2 है और 1 ओवर एन टू देयर पी से कंपेरिजन करें तो पी गिव्स 3/2 विच इज़ ग्रेटर देन 1, और यदि ग्रेटर देन 1 है तो आपका वी एन कन्वर्जेंट होगा। जब सिग्मा वी एन आपका कन्वर्जेंट होगा तो सेम सिग्मा यू एन भी हमारा कन्वर्जेंट होगा, तो हम इस बिहाफ पे ये बोल सकते हैं कि ये आपका कन्वर्जेंट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं यदि हमारा अंडर रूट में इस तरीके से रेशनलाइज वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमको सॉल्व ऐसे करना होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी यही बोलता है, यहाँ पर हमारा अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन है, यदि हमें इसे सॉल्व करना हो तो इसमें भी हम कंजुगेशन लेंगे और कंजुगेशन में आप देखिएगा कहीं तो आप, मैं इसे भी जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 अभी ये होगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड वी आर स्टडिंग इनफाइनाइट सीरीज एंड दिस इज कंपैरिजन टेस्ट लेक्चर नंबर 2 दिस इज। सो इसमें रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन है, सिग्मा ऑफ दिस 1 ये हम यदि यू एन लें तो यू एन होगा अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन, यदि कंजुगेशन लें तो एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन एंड रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन
ओवर अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन, ये वैल्यूज क्या होंगी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आप देख सकते हैं ये एन स्क्वायर प्लस वन माइनस एन स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होके अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन, ये वैल्यू वन ओवर अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन, दिस इज यू एन। दोस्तों इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, और जो कॉमन लेंगे वो आप अंडर रूट एन स्क्वायर, तो एन आउटसाइड आएगा, वन ओवर वन प्लस वन ओवर एन स्क्वायर अंडर रूट में होगा प्लस वन होगा, ये टर्म्स हमारी रह जाएंगे, ये एन है। तो दोस्तों वी एन आप जब चूज़ करेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ, हो सकता है ये क्लीन कर देता हूँ। तो यदि आप वी एन लेते हैं तो वी एन विल कम वन ओवर एन। अब वी एन वन ओवर एन है, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फाइनिटी यू एन ओवर वी एन आप देखते हैं, तो वन अपॉन एन से वन अपॉन एन कैंसिल हो जाएगा, और ये सिर्फ यहाँ पर वन रहेगा, और ये वन, ये भी टू आएगा, विच इज़ नॉन जीरो एंड फाइन, मतलब नॉन जीरो आएगा, वो कुछ भी आए नॉन जीरो आएगा ऐसे में। और वी एन आप देख रहे हैं वो वन ओवर एन था, कंपेरिजन वन ओवर एन टू द पावर पी, पी सीरीज टेस्ट में लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इससे यदि हम कंपेयर करते हैं तो पी गिव्स वन, और आपको पता है कि यदि पी लेस और इक्वल वन आता है तो आपका सिग्मा वी एन डाइवर्जेंट होगा, और जब सिग्मा वी एन डाइवर्जेंट है तो डेफिनेटली सिग्मा यू एन भी आपका डाइवर्जेंट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो ये हमारी सीरीज है ये डाइवर्जेंट होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजी से हम जल्दी से क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जिससे हम डिस्कस कर पाएँ। हमारा है क्यूब रूट ऑफ एन क्यूब प्लस वन माइनस एन। देखिए अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, मैं ये सब क्लीन कर सकता हूँ, हो सकता है कि शायद आप साथ साथ लिख रहे हो, और मैं थर्ड क्वेश्चन से डिस्कस करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन आपका ये है कि क्यूब रूट ऑफ एन क्यूब प्लस वन माइनस एन है। दोस्तों अब हम कंजुगेट नहीं ले सकते, कंजुगेट तब लेना बेहतर था कि जब अंडर रूट था, क्योंकि अंडर रूट से आपका ए माइनस बी ए प्लस बी वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उस फॉर्मूले से हो जा रहा था, लेकिन यहाँ हमें कंजुगेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो आप देखें इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री, एंड दिस इज सिग्मा एन इक्वल्स टू वन टू इन्फाइनिटी क्यूब रूट ऑफ एन क्यूब प्लस वन माइनस एन। इसमें हमें क्या करना होगा वो आप देखिएगा, हियर यू एन इज क्यूब रूट ऑफ एन क्यूब प्लस वन माइनस एन, दिस इज आर यू एन। ऐसे में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन क्यूब प्लस वन टू द पावर वन बाई थ्री माइनस एन, ये भी लिख सकते हैं। दोस्तों हमें पता है कि वन प्लस एक्स टू दर एन बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एन एन माइनस वन एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ये रहता है हमारे पास। तो क्यों ना हम इसको अप्लाई कर लें, देखते हैं अप्लाई करने से क्या फ़र्क होगा। ये वन प्लस एन क्यूब है, तो वन प्लस एक्स यहाँ एन क्यूब का वर्क कर रहा है, और जो एन है वो वन बाई थ्री है, तो वन प्लस वन बाई थ्री इन टू एन क्यूब, दिस इज प्लस, और क्या कर सकते हैं हम। वैसे एक काम और भी हो सकता था कि हम यहाँ से n भी कॉमन ले सकते थे, वो ज़्यादा बेहतर था। तो पहले हम इसमें ही यहीं पर ही इसमें इसे अप्लाई करने से पहले हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ से हम n क्यूब जो आपके पास है वो n कॉमन लिया जा सकता है। यदि हम n यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। तो यदि हम यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं तो n क्यूब, यह देख लीजिएगा, तो ये n ही कॉमन आएगा, n यहाँ रह जाएगा वन प्लस वन ओवर n क्यूब टू दी पावर वन बाई थ्री और ये माइनस वन। अब अप्लाई करना बेहतर होगा, अब हम अप्लाई करते हैं इस पे, ये तो वन प्लस वन बाई थ्री इन टू एन क्यूब, दिस इज वन प्लस एन एक्स, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, दिस इज एन क्यूब प्लस एन एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एंड वन अपॉन एन क्यूब का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ये टर्म्स हमारी चलेंगी। मैं इधर लिखता हूँ, मे बी आपको दिखाई ना पड़ रहा हूँ, ऐसे में अब यहाँ से आगे जब हम लेंगे तो ये n है, देखिए ये मत भूलिए, ये तो टर्म था ही था बट लास्ट में माइनस वन भी है, और जब ये वन और ये वन कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से n है यहाँ है ही, और वन अपॉन एन क्यूब हर एक में कॉमन आना है, तो वन अपॉन एन क्यूब जब हम बाहर लेंगे तो ये क्या रहा, वन ओवर थ्री रह गया, वन ओवर थ्री इंटू वन ओवर थ्री माइनस वन, माइनस टू बाई थ्री होगा, नहीं लिखता मैं, ओवर फैक्टोरियल टू इंटू वन ओवर एन क्यूब रह जाएगा एंड सो ऑन, चलने दो। अब यहाँ तो वन अपॉन एन स्क्वायर रह गया, ये वन अपॉन थ्री प्लस, इसे भी वन अपॉन थ्री भी ले सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है, दिस वन एंड वन ओवर थ्री
1 ओवर 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 इनटू 1 अपॉन एन क्यूब एंड सो ऑन, चलने दीजिएगा, ये यू एन था। अब हम क्या करते हैं, लिमिट पहले वी एन चेक करते हैं, तो वी एन आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ये वी एन होगा, और जब हम लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनिटी यू एन अपॉन वी एन लेंगे, तो वन अपॉन एन स्क्वायर से वन अपॉन एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारा मकसद भी यही रहता है वी एन चूज़ करने के लिए, और जैसे ही लिमिट को इन्फाइनिट पर टर्न कराओगे तो ये वन अपॉन इन्फाइनिट जीरो होगा, नेक्स्ट वाले सब जीरो होंगे, सिर्फ आएगा तो वन बाई थ्री, और आप जानते हैं वन बाई थ्री नॉन जीरो है और फाइनाइट भी है। अब आती है वी एन की बात, तो वी एन आपके पास वन अपॉन एन स्क्वायर है, इसका मतलब वन अपॉन एन टू दी आर पी, पी सीरीज टेस्ट लगाएं तो पी आपका टू होगा, और टू ग्रेटर देन वन है, तो इससे हमें पता चलता है तो सिग्मा वी एन आपका कन्वर्जेंट है। सिग्मा वी एन यदि कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली सिग्मा यू एन भी आपका कन्वर्जेंट होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन में आप ये देख रहे थे कि अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट होता तो कंजुगेशन ले रहे थे, लेकिन यहाँ क्यूब रूट यदि आता है तो क्यूब रूट में भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप यदि देखें नेक्स्ट, और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मैं अब इसे सॉल्व नहीं करूँगा और मैं आपके लिए बोल देता हूँ इस क्वेश्चन को, और आप ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, यदि नहीं होता है तो मैं ट्राई करूँगा आपको इसका सॉल्यूशन देने की, बट इट्स ईजी। और ये क्वेश्चन है इसका, ये आपका डाइवर्जेंट होगा, यहाँ पर सिर्फ इतना फर्क हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा ये क्यूब रूट ऑफ एन है, इतने से क्या फर्क पड़ सकता है वो आपको देख के मुझे बताना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ, 4 आपके लिए है, आप ट्राई करिएगा, सॉल्व जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए थोड़ा सा बदलाव आया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिस इज साइन ऑफ 1 ओवर एन, अब की बार ये ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म आ गए साइन 1 अपॉन एन, यहाँ पर आपको इसका एक्सपेंशन याद करना बड़ा ज़रूरी है, यदि आपको ये एक्सपेंशंस आते हैं तो आपको इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आनी। दोस्तों यहाँ पर जो यू एन है वो यू एन है साइन, दैट इज़ एन टर्म साइन 1 अपॉन एन, और मैं आपको याद दिला दूँ, यदि आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पर साइन एक्स एक्सपेंशन आप पढ़ के आए हो गए अपनी प्रीवियस क्लासेस में, वो आपका होगा एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 एक्स 5 ये फैक्टोरियल 5 दिस इज एंड सो ऑन, हियर इट विल बी माइनस, इस तरीके से आपकी ये टर्म्स चल रही हैं। तो यदि हम इसमें यू एन में इसको अप्लाई करते हैं तो ये 1 ओवर एन होगा माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल 1 ओवर एन क्यूब प्लस 1 ओवर 5 फैक्टोरियल 1 ओवर एन टू द पावर 5 माइनस दिस वन, ये यू एन होगा। वी एन यदि हम चूज़ करें तो अब हम पहले यू एन को ही, यहाँ से 1 ओवर एन आपको कॉमन दिख रहा है तो 1 माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल 1 ओवर एन का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 5 फैक्टोरियल 1 ओवर एन टू द पावर 4 एंड सो ऑन, ये इट इज़ नॉट प्लस दिस इज़ माइनस, तो ये होगा। अब दोस्तों आपको बड़ा क्लियर दिखाई पड़ रहा है, वी एन शुड बी 1 ओवर एन, यदि हम इसका रेशियो ले लेते हैं यू एन अपॉन वी एन लेंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनिटी यू एन ओवर वी एन यदि लेते हैं आप, तो वी एन हमने लिया ही ऐसा ही है, वो आपको भी पता है कि लेना कितना होता है और कैसे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हो, तो 1 अपॉन एन से 1 अपॉन कैंसिल होगा ये रहेगा, और जब एन को इन्फाइनिट करेंगे तो ये टर्म जीरो सब टर्म जीरो हो जाएंगे, सिर्फ ये पहली वाली टर्म 1 रह जाएगी, तो ये आपका नॉन जीरो है और फाइनाइट है। अब नॉन जीरो है और फाइनाइट है तो यू एन और वी एन का दोनों का बिहेवियर एक जैसा होने वाला है, डिसाइड किससे करते हैं कि कैसा बिहेवियर होगा, वी एन से, वी एन 1 अपॉन एन है, इसको हम 1 अपॉन एन टू द पावर पी से कंपेरिजन करें तो पी 1 आता है, और दोस्तों आप जानते हैं कि यदि पी 1 है लेस और इक्वल 1 पे आपका क्या देता है डाइवर्जेंट, तो सिग्मा वी एन आपका डाइवर्जेंट होगा, और सिग्मा वी एन जब डाइवर्जेंट हो जाएगा तो सिग्मा यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, तो ये जो साइन 1 अपॉन एन आया वो आपका डाइवर्जेंट आ गया। बट दोस्तों मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखा है, देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ साइन 1 अपॉन एन था, अब 1 अपॉन एन साइन 1 अपॉन एन है, तो यदि मैं इसी क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ कि इसी क्वेश्चन में मैं इसको थोड़ा सा मॉडरेट कर लूँ, तो यू एन जैसे यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, ये 1 अपॉन एन है, यहाँ भी 1 अपॉन एन होगा, जब हम यहाँ लेंगे तो ये 1 अपॉन एन आउटसाइड है, जब आप 1 अपॉन एन कॉमन लोगे ये, तो वी एन भी 1 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा, और जब हम ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ इतना चेंज होगा कि 1 अपॉन एन स्क्वायर है तो पी कितना होगा 2, और जब पी 2 है तो 2 ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट होगा, और जब ये कन्वर्जेंट होगा तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगा। मैंने आधा मिनट में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी में चेंजिंग करते हुए आपको बता दिया है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं आपको बोलूं cos 1 अपॉन एन है,
यहाँ पर ये हाँ थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, टेन इनवर्स यू कैन सॉल्व, ये कॉट इनवर्स का भी एक क्वेश्चन मेरे याद आ रहा है कि कॉट इनवर्स एन स्क्वायर, ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो बट मुझे सेवंथ क्वेश्चन के बारे में कुछ बात बतानी है। यदि आप कॉस वन अपॉन एन करते हैं दोस्तों, आप जानते हो कि कॉस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स का फॉर्मूला आपका याद करिएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू प्लस एक्स फोर ओवर फैक्टोरियल फोर माइनस एक्स फाइव। तो इस तरीके से इवन टर्म्स होती थी और वन से स्टार्ट होता था। तो वहाँ पर आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, आप कॉमन नहीं लेंगे तो आप कंपैरिजन टेस्ट लगा नहीं पाओगे, जब कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगा पाओगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसमें मैं आपको एक कंट्रा पॉजिटिव मेथड बताता हूँ। कंट्रा पॉजिटिव मेथड वो था, यदि आपको कुछ याद भी हो मैं आपको याद दिला दूँ कि यदि कन्वर्जेंट है, यदि सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट कब होगी, जब लिमिट यू एन आपका जीरो, मतलब कन्वर्जेंट है तो लिमिट यू एन जीरो जरूर आएगा। तो ऐसे में दोस्तों उस मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेवन करके बता रहा हूँ और होप आप एट्थ क्वेश्चन इसी तरीके से, टेन इनवर्स का यदि आपको एक्सपेंशन मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं आनी, मैं वैसे भी आपको बता जरूर दूंगा, बट जल्दी से मैं कॉस वन अपॉन एन करता हूँ। तो सिग्मा ये क्वेश्चन नंबर आपका सेवन है और दिस इज कॉस ऑफ 1 ओवर n, यदि इसे देखें तो जो यू एन होगा वो कॉस 1 ओवर n होगा, और कॉस 1 ओवर n यदि आपको याद है तो ठीक है, कॉस x 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड माइनस सो ऑन, इस तरीके का होता था। तो कॉस 1 ओवर n यदि इसका एक्सपेंशन करते हैं तो 1 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 ओवर n होल स्क्वायर 1 ओवर 4 फैक्टोरियल 1 ओवर n टू द पावर 4 माइनस दिस वन, ये आपका यू एन चल रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो हम सिंपल लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन चेक करते हैं कि भाई यदि ये जीरो है तो कुछ चांस हो सकते थे, लेकिन हमारे दिमाग में ये आ रही है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन यदि हम एन को अप्रोच कराएं तो यहाँ वन अपॉन इन्फिनिट जीरो होगा, वन अपॉन इन्फिनिट दैट इज ये वन आ रहा है, मतलब लिमिट ऑफ यू एन इज कमिंग वन, इसका मतलब है कि वो नॉन जीरो है। तो दोस्तों हमने एक बात बताई थी, वो नेसेसरी कंडीशन ये थी कि यदि सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो नॉन जीरो होगी। अब दोस्तों यहाँ पर वो एक्चुअल में कन्वर्जेंट होने के लिए वो यदि कन्वर्जेंट होती तो यू एन जीरो जरूर आता। अब हमने ये भी कहा था कि कन्वर्सेस का ट्रू नहीं है कि यदि लिमिट यू एन जीरो है तो वो कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब नॉन जीरो तो दैट मीन्स वो कन्वर्जेंट तो हो ही नहीं सकती। तो अब यहाँ से हम ये सिर्फ ये बोल सकते हैं कि सिग्मा यू एन इज नॉट कन्वर्जेंट, दैट्स इट। तो हमने ये बात कह दी कि यू एन आपका कन्वर्जेंट नहीं है, ये हमने कंट्रा पॉजिटिव से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो टेन इनवर्स है। दोस्तों टेन इनवर्स का आपको यदि फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो मैं आपको बहुत जल्दी से सिर्फ फार्मूला लिखता हूँ टेन इनवर्स एक्स का और आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, आप कुछ प्रयास करें। यदि आपका नहीं होता है सॉल्यूशन सॉल्व तो कमेंट बॉक्स में लिखें जरूर, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, बस मैं यहाँ फार्मूला बताता हूँ आपको कि टेन इनवर्स x का जो एक्सपेंशन होता है वो दोस्तों आप ध्यान जरूर रखिएगा, वो x माइनस 1 ओवर 3 दैट इज x क्यूब ओवर 3 प्लस, अब देखिए यहाँ पर आ रहा है x, x माइनस x क्यूब दिस वन प्लस x 5 ओवर 5 माइनस x 7 एंड 7 x 7 अपॉन 7, इस तरीके से आपका tan इनवर्स x होगा। अब जब tan इनवर्स 1 अपॉन n लोगे तो 1 अपॉन n आपका कॉमन आ जाएगा, उसी तरीके से जैसे हमने इसका साइन 1 अपॉन n का एक्सपेंशन किया था, क्वेश्चन सॉल्व किया था, वैसे हमारा सॉल्व हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि ये जो tan इनवर्स 1 अपॉन n होगा जो आपका क्वेश्चन नंबर ये है, ये डाइवर्जेंट होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका डाइवर्जेंट आना है, ये जरूर सॉल्व करिएगा। दोस्तों थोड़ा और अलग तरीके का क्वेश्चन मैंने नाइन्थ क्वेश्चन लिया है, उस नाइन्थ क्वेश्चन के बारे में देखिएगा कि नाइन्थ क्वेश्चन जो बोलता है वो ये कह रहा है समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी टू टू द पावर एन प्लस थ्री टू देयर एन ओवर सिक्स टू देयर एन। कुछ अजीब सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर यू एन आप 2 टू देयर एन प्लस 3 टू देयर एन ओवर 6 टू देयर एन ले सकते हो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अपॉन 6 टू द पावर एन प्लस 3 ओवर 6 टू द पावर n, ये कितना होगा, दिस इज n, दिस इज 1 अपॉन 3 टू द पावर n प्लस दिस इज 1 ओवर 2 टू द पावर n। दोस्तों ये आपको मैं याद दिलाता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको ज्योमेट्रिक सीरीज बताई थी और ज्योमेट्रिक सीरीज में मैंने ये कहा था कि यदि 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ये ज्योमेट्रिक सीरीज है और यदि ये मॉड एक्स लेस और इक्वल 1 दैट इज़ लेस देन 1 माइनस 1 से 1 के बीच यदि लाई करता है तो वो आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये भी आपकी एक ज्योमेट्रिक सीरीज है क्योंकि n को 1 रखूँगा 1 बाई 3 होगा, फिर 1 बाई 3
स्क्वायर 1/3 क्यूब, इस तरीके से हमारी वैल्यूज बने। 1/3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 1 + 1/3 + 1/3 होल स्क्वायर, इस तरीके से आपका ये टर्म चलेगी। तो आप देखिएगा यहाँ पर आर जो कॉमन रेशियो 1/3 है, यहाँ पर कॉमन रेशियो कितना है, वो 1/2 है। अब देखिए ये 1/3 भी 1 से कम है और 1/2 भी 1 से कम है, तो सिंपल इसको आप बोल सकते हैं कि सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। और किससे निकाला आपने, ये ज्योमेट्रिक सीरीज से। तो दोस्तों आपका ज्योमेट्रिक सीरीज इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर सिर्फ वर्ड्स में बात बोली है, तो इस बात को मेरे को समझ लीजिएगा कि यहाँ से देखा ये भी आपका ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है, और इन दोनों ज्योमेट्रिक सीरीज का जो कॉमन रेशियो वो 1 से कम है, जिसे हम x बोलते हैं या r बोल सकते हैं, ऐसे में आपका क्या होगा, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, ये un है और ये vn है, ये vn वैसा vn मत समझिएगा जिसके हम डिसाइड करते हैं, वो कंपैरिजन टेस्ट का vn नहीं कह रहा, ये दो सीरीज हैं आपका, एक un और एक vn। यदि un कन्वर्जेंट और vn कन्वर्जेंट है तो उनका समेशन भी कन्वर्जेंट होगा, इस बात का भी हमेशा ख्याल रखें। तो इसलिए हम बोल रहे थे कि यदि ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, तो दोनों का समेशन भी आपका कन्वर्जेंट होगा। होप आपको ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट मैं बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ शायद हो सकता है कि आपको ये दिखाई ना पड़ रहा हो, लेकिन मैंने लिखा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करना पसंद करूँगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन बचते हैं अभी हमारे इस वीडियो के, 10th और 11th। 10th क्वेश्चन, 1/1 to the power p, 2 to the power p, +3 to the power p, +1/4 to the power p, और ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो दोस्तों ये तो 1/(n^p) है ना, तो इसे सॉल्व करने के लिए यदि हम देखें तो जो un होगा वो 1/(n^p) होगा, यस नो, या कुछ और होने जा रहा है, आप देख लीजिएगा। 1/(1)(p), ये शायद मुझे लग रहा है कुछ गलत लिख गया है, 1/(1)(p) एंड 3^(p), दिस इज 3^(p), 5^(p), 7^(p), दिस इज लाइक दैट। तो जब आप un लेंगे तो un 1/ कितना होने जा रहा है आपका, un 1/(2n−1)^p। दोस्तों ये तो आया un। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि इसमें vn कितना होना चाहिए। देखिए vn निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर तो है नहीं न्यूमरेटर में, डिनोमेटर में हाईएस्ट पावर n की पावर p है, तो जो आप vn लेना पसंद करेंगे वो 1/(n^p) होगा। जब आप un/vn लेंगे तो 1/(2n−1)^p, और जब ये अपॉन में होगा तो n^p ऊपर चला जाएगा, n^p नीचे से भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा 2 − 1/(n), दिस इज 2^p एंड n^p ये कैंसिल आउट हो गया। यदि आप n को अप्रोच कराएं इन्फाइनिटी की तरफ को, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनिटी un/vn जो होगा, जब आपने ये रखा तो दिस इज 1/2, और जब 1/2 होगा वो नॉन जीरो है और फाइनाइट है। यदि ऐसा है तो un और vn का बिहेव एक जैसा होगा। अब हम vn की तरफ चलते हैं, vn 1/(n^p) था, अब यहाँ दिक्कत है, 1/(n^p) है तो इसमें ये नहीं पता नहीं चल रहा, तो अब लिखेंगे आप इफ़ p ग्रेटर देन 1 देन vn कन्वर्जेंट। अब जब vn कन्वर्जेंट होगा तो un ऑल्सो कन्वर्जेंट। नेक्स्ट केस है यदि p लेस और इक्वल 1 होगा तो आपका vn डाइवर्जेंट होगा, और vn डाइवर्जेंट होगा देन un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ p। तो ये आप केस बना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बचता है, मैं उसके बारे में और डिस्कस कर लेता हूँ। ये 10th है, आप जल्दी से लिख जरूर लेना इसको, है ना, कि जब आप क्वेश्चंस, जब कभी भी आप मेरे वीडियोस देखें तो पेन और पेपर लेकर के जरूर बैठें, जिससे आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, 2/(1)^p +3/(2)^p +4/(3)^p +5/(4)^p। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका है, आप देखिएगा यहाँ पर ये इस तरीके का क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं कि un क्या होगा। देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकेंड टर्म में 3 है, दैट मीन्स n+1 है। देखिए 1 रखेंगे तो 2 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो 3 आ रहा है, इस तरीके से ओवर 1^(p), 2^(3)^, दिस इज n^(p)। तो दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि vn क्या होगा, हाईएस्ट पावर इधर n है, इधर n^p है, तो टोटल मिला के जो vn होगा 1/(n^p−1) होगा, ये होने वाला है। तो जब हम un/vn लेंगे, मैं इन शॉर्ट करता हूँ कि ये आपका फाइनाइट, दैट मीन्स नॉन जीरो, जीरो नहीं होगा, मीन्स फाइनाइट और नॉन जीरो होंगे, आप देख भी सकते हो जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, बट vn आपका 1/(n^p−1) है। फिर यहाँ से वही बात हुई कि अब हम ये देखेंगे कि यदि ये p-1 ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, कन्वर्जेंट,
अच्छा, कन्वर्जेंट मतलब पी ग्रेटर देन टू होना चाहिए तभी ये कन्वर्जेंट होगा। और यदि पी माइनस वन, ये फर्स्ट केस था, और सेकंड केस पी माइनस वन लेस देन वन है, लेस और इक्वल वन, दैट इज़ पी लेस और इक्वल टू है, तो वो डाइवर्जेंट होगा। कौन डाइवर्जेंट होगा? वी एन। और यदि वी एन डाइवर्जेंट है तो यू एन भी डाइवर्जेंट होगा। दोस्तों मैंने ये 10-11 क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व किए। मैं कंपेरिजन टेस्ट एक लेक्चर में भी पूरा कर सकता था, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और शायद आपको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इस वजह से मैंने 10-11 क्वेश्चन और आपके लिए इसी वजह से सॉल्व करके बताएं। अदर वीडियोज़ में आप जब कभी यदि अदर्स भी देखते हैं तो उनमें इतने सारे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। होप आपको ये वेराइटी वाले क्वेश्चन मिलें और इससे आपको कंपेरिजन टेस्ट का बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं उसके बारे में बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में हमारे कॉशी रूट टेस्ट और डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद यदि ये कब फेल होते हैं उसे को भी हम ये बताएंगे। डी लैम्बर्ट रेशियो यदि फेल होगा तो कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, टच में बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जिससे आपको ये पता चल पाए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आई है। धन्यवाद।